देश भर में हिंदू मुस्लिम को लेकर लाख दरार डालने की कोशिश अलग अलग लोगों के द्वारा की जा रही है, लेकिन आज मैं ऐसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिलकर एक भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, और यहाँ पर जहाँ हिंदू महिला पूड़ी सेक रही है तो वहीं मुस्लिम महिला यहाँ पर पूड़ी बना रही है। कल इस यहाँ पर सर्वधर्म एकता को लेकर भंडारा किया जाएगा, और आप ये देख सकते हो ये किस तरह से एक मजहबी एकता का परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर किस तरह से देख सकते हो आप, किस तरह से एक हिंदू महिला पूड़ियों को तल रही है और बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम महिला यहाँ पर पूड़ियों को तल रही है। हम कुछ हिंदू जो यहाँ पर पूड़िया सेक रही है उनसे बात करते हैं। दीदी, किस तरह से आप यहाँ पर भंडारे में योगदान दे रहे हैं? हाँ, 5 साल हो गए हमको तो यहाँ पे। अच्छा। ऐसे मिलके सब करते, बाबा साहब को भंडारा होता नहीं। हाँ। तो सब मिलके करते हैं। जिस तरह से बाजार में और कई लोगों के द्वारा अलग अलग भ्रामक तरह की जो माहौल क्रिएट कर रहा है, वो कुछ असर है यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम तो सब मिलके रहते हैं। किराए से रहते हैं और हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो इनका कहना है कि मैं 5 साल से भंडारे में सेवाएं दे रही हूँ। यहाँ पर कुछ और हिंदू महिलाएं मौजूद हैं, हम बात करते हैं। अम्मा, किस तरह से यहाँ पर भंडारे में सेवा देने आ रही हो आप? कितने दिनों से आप भंडारे में सेवा दे रहे हैं? 35 साल हो गए। अच्छा, मेरी शादी को 35 साल हो गए जब से मैं ही देख रही हूँ। जो बाजार में आजकल बातें चलती है, लव जिहाद तमाम तरह की बातें चलती है, उसको लेकर क्या कहना है? यहाँ पर कुछ ऐसा नजर आता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद हाथ से बनाते खिलाते, हम खुद सेवा करते हैं इनकी, बाबा साहब की। हाँ, हम आते हैं, पूरी वगैरह भी लाते, सहयोग करते हैं, हमसे बनता है जितना। सलीम भाई, कितने दिनों से ये आयोजन करवाया जा रहा है और क्या किस? ये हमारे पीरो मुर्शिद जब आया थे तो सन 1972 से जो है उन्होंने ये कार्यक्रम चालू करा था। फिर उनका 92 के अंदर जो है पर्दा हो गया था, उसके बाद से हम और उनके जो साहबजादे हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो हम सब लोग जो है सर्व धर्म के हिसाब से जो ये भंडारा करा जाता है, ये हमारा 54वां साल है भंडारे का। आज रात को जो है चादर, शाम को चादर पेश होगी, रात को अलका जिक्र का प्रोग्राम। भंडारे की तैयारी हम देख रहे हैं, यहाँ पर काफी महिलाएं हिंदू भी मौजूद है, मुस्लिम महिलाएं मौजूद है, क्या जिस तरह से क्या संदेश देना चाहते हैं? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के हिसाब से जो है हम भंडारा करते हैं, और सर्व धर्म के लोग हमारे इस भंडारे के अंदर शरीक होते हैं, और शुद्ध शाकाहारी जो है भंडारा होता है यहाँ पर हर साल रबीउल आखिर के 11 तारीख के दिन जो ये बड़ा भंडारा होता है। लेकिन बाजार में जिस तरह से माहौल चल रहा है आजकल, कई लोग लव जिहाद तमाम तरह की बातों का जिक्र करते हैं, ये तो हर आदमी की अलग अलग सोच है, हमारी सोच ऐसी नहीं है। हम तो जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई, उस हिसाब से जो चलते हम लोग मुस्लिम में रह रहे, ऐसा लगता नहीं हमको यहाँ पे। पूरा घर जैसा विश्वास है हमको इन लोगों का, घर जैसा परिवार। ये मतलब ये जो 5-7 घर जो है हमारी दीदी उनों के वगैरह के भी है, हमारे काका वगैरह भी जो यहीं पर ही रहते हैं, वो सब बिल्कुल हम मतलब दीपावली के दिन हमें इनके साथ में जो त्योहार मनाते हैं, ईद बकरा ईद पे ये हमारे साथ मिलके त्योहार मनाते हैं। भंडारे के अंदर जो है सर्व धर्म के लोग, सभी तरीके के लोग आते हैं, शुद्ध शाकाहारी भंडारा होता है। ये आप देख सकते हो शुद्ध शाकाहारी भंडारे की बात की जा रही है, और तकरीबन 35 सालों से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया जा रहा है। संदीप मिश्रा।